लिमिटेशंस ऑफ साइक्लोट्रॉन में पहली लिमिटेशन है कि साइक्लोट्रॉन न्यूट्रल पार्टिकल्स को सर्कल में घुमा नहीं पाएगा, न्यूट्रल पार्टिकल अट्रैक्ट ही नहीं कर पाएगी डी, तो मूव ही नहीं करेगा, पहली मेजर साइक्लो। दूसरी, कुछ पार्टिकल जो हल्के पार्टिकल्स हैं जैसे इलेक्ट्रॉन्स या और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, उनको ही एक्सेलरेट नहीं करवा सकता। रीजन ऐसा नहीं कि वो सर्कल में घूमते नहीं, कुछ देर वो घूमते हैं लेकिन वो विंडो से बाहर नहीं आ पाते। मैं बताता हूँ कैसे होता। क्या है कि जब नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल आता है ना, तो उनका मास क्या होता है, लाइट होता है। तो जब मास हल्का होता है तो उस केस में जो वेलोसिटी है बहुत हाई एक्वायर हो जाती है। वेलोसिटी कितनी एक्वायर हो जाती है, इट अप्रोचेस टू स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरिजन में हो जाती है। और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ये बोलती है कि अगर दुनिया में कोई भी पार्टिकल की स्पीड स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच करती है तो उसका मास कॉन्स्टेंट रहता। तो पहले इसका मास कॉन्स्टेंट था, अब मास इसके इक्वल हो जाता है। तो अगर मान लो उस हल्के पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़ती 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 जा रही है, तो ये वाली फ्रैक्शन बढ़ती जा रही है, ये फ्रैक्शन बढ़ेगी, वन में से ये सब्ट्रैक्ट होगा तो पूरा डिनोमिनेटर क्या होगा, कम। डिनोमिनेटर कम होगा, पूरी फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, ज़्यादा। तो आप शॉर्टकट याद रखें, जब पार्टिकल बहुत हाई स्पीड एक्वायर कर लेता है उसका मास स्टार्ट्स इंक्रीजिंग, बस ये याद रखें, मास की वैल्यू बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। मैथमेटिकली मैंने बता दिया, वेलोसिटी इंक्रीज होगी, वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर बढ़ेगा, और अगर ये बढ़ेगा तो वन में से ये टर्म क्या होगी, डिक्रीज होगी। अगर पूरा डिनोमिनेटर डिक्रीज होगा तो मास इंक्रीज होगा। अब जो एक पार्टिकल एक डी में कितना टाइम स्पेंड करता है, पाई एम बाय बी क्यू, हमने पूरी जो थ्योरी की, पूरा साइक्लोट्रॉन किया, उसके अंदर मास हमेशा कॉन्स्टेंट रखा, तो हमें पता था एक पार्टिकल जो बाहर आ रहा है पाई एम बाय बी क्यू, तो टाइम टेकन एक चक्कर का क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट। ठीक है, कॉन्स्टेंट होता है। पर इस केस में क्या होगा, जो हल्के पार्टिकल्स हैं, जो हल्के पार्टिकल्स हैं उसके अंदर मास चेंज हो जाएगा, मास स्टार्ट्स इंक्रीजिंग, टाइम स्टार्ट्स इंक्रीजिंग। अब उससे गड़बड़ हो गई। गड़बड़ कैसे हुई, ऑसिलेटर को सिखाया गया था कि भाई तू तैयार रहियो, ठीक एक सेकंड पे चार्ज पार्टिकल बिल्कुल डीज के बिंड पॉइंट में आ जाएगा, तो तूने इलेक्ट्रिक फील्ड को उल्टा कर देना है। पर यहां क्या हो गया, यहां पर मास इंक्रीज होने से टाइम स्पेंड इन ईच डी बढ़ गया, उसने 1.2 सेकंड ले लिए, ऑसिलेटर वो भी अंदर फंसा बैठा है, ऑसिलेटर ने चार्ज ही चेंज कर दिए, तो सिंक्रोनाइजेशन खराब होगी, बनी नहीं ऑसिलेटर के साथ इस पार्टिकल की, क्योंकि पार्टिकल का जो टाइम है बाहर निकलने का और ऑसिलेटर का इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करने का टाइम एग्जैक्टली क्या होना चाहिए, ये टाइमिंग की गेम है सारी, और टाइम ही क्या हो गया, खराब हो गया। और जब टाइम खराब हो गया तो वो कभी विंडो से बाहर नहीं आ पाएगा, क्योंकि वो सिचुएशन कभी आ ही नहीं पाएगी, वेलोसिटी इंक्रीज एंड देन इंक्रीजिंग, ऐसा हो नहीं पाएगा, तो बीच में फंसा रह जाएगा। इसलिए नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल या हल्के पार्टिकल इसमें एक्सेलरेट नहीं हो पाते, तो ये इसकी क्या है, डिसएडवांटेज है। क्लियर है यहां तक? तो कोई पूछ ले या बस आइडिया होना चाहिए, पूछता तो क्या क्या ही है इसमें से, साइक्लोन खुद आ गया बहुत बड़ी बात है, डिसएडवांटेज तो बड़ी दूर की बात है, सिलेबस में चेक कर लेना एक बार। ठीक है, ठीक, ओके। ये पूरा चैप्टर बी चैप्टर तीन हिस्सों में बंटा हुआ है। पहला हिस्सा खत्म हो गया, जिसके अंदर फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल है और उसकी एप्लीकेशन थी, मशीन बनाई फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल पे, खत्म हो गया। दूसरा हिस्सा अब शुरू हो गया फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर पे। मुश्किल नहीं है, आसान है, जितना हमने अभी किया उसे आधे टाइम में हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी हमें आइडिया है, फ्लेमिंग के रूल हमें सब लगाने आते हैं। तो ये सेकंड हिस्सा है। तीसरा हिस्सा इस चैप्टर का ख़त्म नहीं हुआ, फिर फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर की एप्लीकेशन है। मशीन भी तो बनाओगे, जैसे साइक्लोट्रॉन बनाया, उसमें मशीन बनेगी गैल्वेनोमीटर, वोल्ट मीटर, एम मीटर। तो आपने सुना इलेक्ट्रिसिटी के अंदर बहुत ये यूज़ होता था, शंट लगा दो, अपने क्वेश्चन छोड़ते गए आप, शंट लगा के एम मीटर बना दो गैल्वेन। तो ये थर्ड हिस्सा इसका, जिसमें इसकी एप्लीकेशन है। वो हिस्सा बड़ा नहीं है, वो भी एक मैक्सिमम दो लेक्चर का काम है, इससे ऊपर नहीं काम। वो दो लेक्चर में वो होगा, दो लेक्चर में ये होगा, तीन लेक्चर में ये हो गया, उसके बाद फिर कंपटीशन के दो वीडियोस हैं जो मैं आपको दूंगा सुनने के लिए, उसमें कुछ लेवल अलग है, वो अलग होगा। तो मतलब कुल मिला के 15 दिन, 10-15 दिन आप इसी चैप्टर पर बैठे हो अभी।
ठीक है, तो जिनके स्कूल में एग्जाम्स हैं उनके लिए बता रहा हूँ मैं, लगेंगे इसमें कम से कम 10-12 दिन तो कहीं नहीं गए इसमें। फिर उसके बाद चैप्टर इजी हैं, एक दिन में एक चैप्टर, एक दिन में एक चैप्टर, एक दिन में एक चैप्टर, बस 3 दिन में 3 चैप्टर क्लोज, यूनिट क्लोज हो जाएगा। फिर हम EMI AC पे आ जाएंगे। EMI AC पे एक्सपेक्टेड है कि 15 या 20 तारीख को हम आ सकते हैं। 15 जुलाई को भी अगर आ गए तो बड़ी, 15 अगस्त को अगर आ गए तो बड़ी बात है, 15 अगस्त या 16 अगस्त लगा लो। 16 दिन में अगर यूनिट ख़त्म होता है, 16 डेज बहुत है, आधा महीना पड़ा है, तो 15 डेज से पहले वो EMI ख़त्म होगा अगस्त में। फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में AC चलेगा, AC ये वाला नहीं, अल्टरनेटिंग करंट चलेगा, AC चलेगा, AC का NCERT ख़त्म हो जाएगा, और 10 सितंबर से एक्सपेक्टेड है आपके स्कूल के एग्ज़ाम्स बड़े वाले होने, मतलब सितंबर के अंदर शुरू हो जाते हैं। वो कब होगी डेट मुझे पता नहीं, ये अभी जो प्रोजेक्शन आ रहा है वो मेरे को ऐसा दिख रहा है। सारी गेम डिपेंड करती है मैग्नेटिक पे, कितनी जल्दी ये कवर होता है, और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कितनी जल्दी आप कवर करते हैं। मैं तो कर दूंगा, आप कितनी जल्दी करते हैं, क्योंकि मैं बहुत तेज़ भी नहीं चल सकता, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पोर्शन करने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव पोर्शन करने के लिए टाइम देना ही पड़ेगा, क्योंकि ये बड़ा यूनिट है और इसमें कम से कम नहीं तो ऑब्जेक्टिव बुक्स में 500 से कम ऑब्जेक्टिव होंगे नहीं, इलेक्ट्रोस्टैट से कम नहीं है, इलेक्ट्रोस्टैट से ज़्यादा ही चाहे हों, इतना बड़ा यूनिट है ही, अगर आप अपनी बुक्स खोलेंगे तो कम नहीं है। ठीक है, तो मैं अभी तो बेसिक्स पे चल रहा हूँ, मैं ऑब्जेक्टिव वाले अभी पोर्शन मैंने टच नहीं किया, तो एक बार ये कवर करके फिर उसके बाद मैं ऑब्जेक्टिव वाला पोर्शन शुरू करूँगा। फिर आपको स्पेस मिलेगा, टाइम मिलेगा, और ऑब्जेक्टिव से पहले पहले आपके सब्जेक्टिव के टेस्ट भी हो जाएंगे NCERT के, तो फिर आप और जल्दी पिक करोगे चीज़ को। ठीक है, अगली बार जो टेस्ट है आपका वो फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल के न्यूमेरिकल्स का है, आज सिर्फ फॉर्मूलाज का है, आज कुछ नहीं है, डेरिवेशन में था ही नहीं आज कुछ, हेलिक्स की डेरिवेशन है, हेलिक्स का पिच निकाल दो, और दूसरी डेरिवेशन है सर्कुलर पाथ में रेडियस निकाल दो, R=mv/bq, बस। तो आज के अंदर तो बस यही है, सिंपल है। अगली बार जो आपका टेस्ट होगा 3 न्यूमेरिकल दूंगा फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल पे, पूरी शीट्स पढ़ के आनी है एक बार, जो मैंने करवाया सारा उनमें से 3 न्यूमेरिकल मिलते जुलते दूंगा। ठीक है, ऑनलाइन वालों को समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, ठीक है, ओके। अब इधर देखो, देखो